ये पूरा शंकर जी जा टाइप दिख रहा है यार, बहुत ही बढ़िया धासु टाइप में गणेश जी दिख रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस नई वीडियो पर अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ औंधी गांव। औंधी गांव में हम चलने वाले हैं बल्ला चक्रधारी के पास मूर्ति देखने के लिए, क्योंकि मूर्ति यहाँ पर कई सारे मूर्ति तैयार हो चुके हैं और पेंटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग आए हैं बल्ला चक्रधारी के पास। तो अभी फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं बल्ला चक्रधारी के सारे मूर्तियाँ, यहाँ पर कौन सा मूर्ति पेंटिंग हो चुका है और कौन कौन सा मूर्ति अभी पेंटिंग होने के लिए बचा हुआ है। सारे मूर्ति का अपडेट मैं आपको इस ब्लॉग पर देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नई नई वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहुँच सके। तो चलो चलते हैं अभी फिलहाल हम लोग औंधी गाँव में बल्ला चक्रधारी के घर। सकते हो औंधी गाँव पहुँच चुका हूँ। तो अभी फिलहाल मैं मुकेश भैया बल्ला चक्रधारी के घर आ चुका हूँ और मूर्ति काफ़ी सारे यहाँ पर बन चुके हैं, काफ़ी सारे पेंटिंग भी हो चुकी है। तो चलो दिखाते हैं यहाँ का मूर्ति और किस तरीके से पेंटिंग का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। चलो अंदर का दिखाते हैं आपको। यहाँ पर पेंटिंग हुई मूर्ति यहाँ पर देख सकते हैं, करीब करीब 6-7 फीट का मूर्ति है, बढ़िया आराम से। और अभी फिलहाल पेंटिंग का ही काम हुआ हुआ है, आँख वगैरह नहीं बनाए हुए है गणेश भगवान का, बस पेंटिंग का काम पूरा हो चुका है। देख सकते हैं गद्दी में बैठा हुआ है काफ़ी अच्छे से, गद्दे पे फुल सोफे पे बैठा हुआ है आराम से। देख सकते हो पूरा पेंटिंग का काम जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सामान पड़ी हुई है यहाँ पर, यहाँ पर भी आँख बनाने की तैयारी चल रही है और कुछ यहाँ पर गोल्डन कलर किया जा रहा है, जिसका अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनने वाली है, लेकिन आँखों पर अभी फिलहाल पेंटिंग नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सुंदर सा गणेश जी दिख रहे हैं, जिसका पगड़ी जो है बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पगड़ी सबसे ज़्यादा अच्छा आ रहा है लुक में यहाँ का। और सारे अभी फिलहाल पेंटिंग तो हो चुकी है। यहाँ पर है गणेश जी वाइट कलर में, बस सिर ये वाला हाथी वाला सिर जो होता है वो वाला है, सिर में कोई पगड़ी नहीं है। ये मूर्ति काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, वाइट कलर में है। अभी फिलहाल आँखों पर पेंटिंग नहीं हुआ है, आँखों को नहीं बनाया गया है। और यहाँ पर कई सारे मूर्ति जो है पैक कर दी गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें सो भाई लोग वीडियो अच्छा नहीं आ रहे थे, इसलिए लाइट लेकर आ चुके हैं, ताकि बढ़िया से दिखे आप लोग को भी और वीडियो में भी काफ़ी खूबसूरत सा आए। तो देख सकते हो मूर्ति कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। ये पूरा शंकर जी जा टाइप दिख रहा है यार, बहुत ही बढ़िया धासु टाइप में गणेश जी दिख रहा है। और इनका फेस भी काफ़ी बढ़िया है और सिर जो है पूरा अलग ही रूप में बनाया गया है, और इनके 4-5 हाथ भी बना दिए गए हैं, काफ़ी अलग लुक में है ये। ये मूर्ति है जो यहाँ पर 9 नवग्रह, जो बैकग्राउंड में 9 नवग्रह है पीछे में देख सकते हो, और यहाँ पर ये काफ़ी खूबसूरत चमक रही है। अगर कहीं लाइट रहता तो और ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन लाइट थोड़ा अंधेरा हो गया, क्योंकि यहाँ तक वायर नहीं आ पाया इसलिए अंधेरा हो चुका है। ये काफ़ी अच्छा चमकता अगर कहीं यहाँ पर रोशनी अच्छा आता तो। पूरा 9 नवग्रह बना हुआ है पीछे पर, काफ़ी खूबसूरत गणेश जी बैठे हुए हैं और इनका जो चूहा है इनके पैरों पर बैठे हुए हैं, और ये लड्डू का मांग कर रहे हैं, मोदक ऊपर है इसलिए उसी चीज़ को देख रहे हैं अभी फिलहाल गणेश जी। यहाँ पर दही हंडी लेकर गणेश जी बैठे हुए हैं, दिखाते हैं, काफ़ी बढ़िया। और ये में पटके पे पूरा दही है एक प्रकार से मान लो, तो इस तरीके से इनको बनाए गए हैं। और पीछे ग्वाला मतलब गाय बैठे हुए हैं, मतलब इसको कृष्ण भगवान के रूप में बनाया गया है, मतलब हर एक चीज़ में कुछ अलग चीज़ दर्शाए जाते हैं, तो इस तरीके से ये मूर्ति है। तो ये मूर्ति देख सकते हो काफ़ी पगड़ी में ही काफ़ी खूबसूरत मूर्ति बनी हुई है देख सकते हो। और पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा, क्योंकि पेंटिंग का काम चल रहा है, इसलिए पेंटिंग के काम के कारण से आवाज़ आने वाला है। तो मूर्तियाँ काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बन चुकी है। बात करते हैं इस मूर्ति का, तो ये मूर्ति जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इनका जो काउच में बैठे हैं, काउच मतलब सोफ़ा ही होता है, तो सोफे में बैठे हुए काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं आप देख सकते हो इस तरीके से। और माथे पे अलग ही टाइप में चंदन लगाए गए हैं देख सकते हो, इसको पूरा पेंटिंग होगा अभी चंदन, और काफ़ी बढ़िया दिखेगा। उसके बाद अलग से ऊपर से उभार के हुए चंदन का बनाए गए हैं। चलो दिखाते हैं, पीछे लाइट है यार, तो इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर आ सकते हैं कि हिंदुस्तान भारत का झंडा वो पगड़ी पर है, गणेश जी के पगड़ी पर भारत का झंडा है पूरा। अब देख सकते हो ये मूर्ति काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पता नहीं हाथों पे कुछ पकड़ाते जाएंगे धीरे धीरे, और वो सब सामान जो है लास्ट के दिन पता चलेगा। इस सब चीज़ में पेंटिंग होगा गोल्डन कलर, आप देख सकते हो इसमें भी गोल्डन कलर होगा,
तो ये कुछ कुछ चीज़ में गोल्डन कलर होगा, फिर और काफ़ी बढ़िया दिखेगा। अब आ चुके हैं काफ़ी बढ़िया गणेश जी, अलग ही हट के काफ़ी गजब का दिख रहा है यार ये गणेश जी। देख सकते हो गाय बैठे हैं इनके साथ, गणेश जी के साथ। और ये गणेश जी हैं, अभी फिलहाल आँखों को नहीं बनाया गया है, बाकी सब चीज़ बन चुका है। बहुत ही बढ़िया गाय बैठा पीछे में, और गणेश जी काफ़ी गोल मटोल लग रहा है एकदम मोटू से, और काफ़ी बढ़िया पेंटिंग हो चुका है। आँखों को नहीं बनाया गया है, बाल गणेश है, और यहाँ पर पीछे गाय बैठे हैं। ये गणेश जी देख सकते हो काफ़ी शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं, और इनके जो माथे पर है पूरा गोल्डन कलर का ये लगा हुआ है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और पगड़ी का भी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इधर भी देखो काफ़ी बढ़िया चीज़ दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत गणेश जी दिख रहे हैं, देख सकते हो। इस गणेश जी का तो ये चूहे पे बैठा हुआ है भाई, बहुत ही बड़ा चूहा है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा चूहा देख सकते हो। और गणेश जी काफ़ी हंसते हुए बैठे हुए हैं और मोदक पकड़ के, और यहाँ पर गणेश जी चूहे के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ का काफ़ी सारा मूर्ति है, आप देख सकते हो पूरे तरफ मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, और सारे पेंटिंग हो चुकी है। चलो चलते हैं बाहर में, अभी पेंटिंग चल रहा है वो देखते हैं। और सारे मूर्ति जो है ढक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मूर्ति में पेंटिंग चल रहा है, वो कलर मत आए, इसलिए अभी फिलहाल पूरे ढक चुके हैं। यहाँ पर गणेश जी हैं और शंकर जी बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बात करते हैं तो काफ़ी बड़ा गणेश जी आप देख सकते हो ऊपर से, ये भी माखन खा रहे हैं, देख सकते हो मटकी में पूरा माखन है, तो आराम से माखन खाते हुए। और यहाँ पर गाय बैठा हुआ है, तो इसी प्रकार से ज़्यादातर यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है जो गाय के साथ है। और मशीन यहाँ पर भी चल रहा है पेंटिंग वाला, यहाँ पर भी चल रहा है, जिसके कारण से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। मूर्ति देखो भाई, मूर्ति मत छूना, कलर ख़राब हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर मूर्ति देख सकते हो काफ़ी बड़ा मूर्ति बना हुआ है इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं मूर्तियाँ, यहाँ पर भी ढक चुका है मूर्ति इस तरीके से। ये शंकर जी का खाल पहना हुआ है, देख सकते हो हल्का फुल्का नज़र आ रही होगी। और क्या है, यहाँ पर भी पूरा मूर्ति को ढक चुके हैं, लड्डू पकड़ के बैठे हुए हैं गणेश जी, यहाँ पर भी मूर्तियाँ ढक चुकी है भाई काफ़ी ज़्यादा। अभी 5 मिनट पहले ही ढका हुआ है, जिस कारण से अभी फिलहाल अपन लेट हो गया 5 मिनट। बात करते हैं इस गणेश जी का, तो ये भी अभी फिलहाल पूरा ढका हुआ है, पूरे अच्छे से ढका हुआ है, पूरा ढक चुका है भाई, निकालना बेकार है। यहाँ पर गणेश जी अकेले में बैठे हैं, और इनके ये किसके ऊपर बैठे हैं ये भी बता देता हूँ। इतने सारे चूहे हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से चूहे हैं, जिनके साथ गणेश जी बढ़िया खेलते कूदते मोदक के ऊपर बैठे हैं, और चूहे मोदक खा रहे हैं जैसे कि दिखाया हूँ। ये वाली गणेश जी देखो काफ़ी खूबसूरत गणेश जी बन रही है अभी फ़िलहाल। जो कलर है इनका कलर काफ़ी बढ़िया है, और पीछे का बैकग्राउंड भी देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, मोर बना हुआ है, इसमें सब गोल्डन कलर होगा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इस मूर्ति को मैं अभी फिलहाल कैसे भी करके इसका पन्नी निकालता हूँ और आपको दिखलाता हूँ। फिलहाल आपके लिए निकाल रहे हैं, देख सकते हो कुछ इस तरीके से मूर्ति को दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। सिर्फ आप लोग के लिए निकाले हैं अभी फिलहाल, देख सकते हो कि चूहा किस तरीके से मांदर बजा रहे हैं, जिसको ढोल बोलते हैं। और गणेश जी को एक बार देख के बताइए किस तरीके से लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि गणेश जी का कलर कैसे लग रहा है। काफ़ी अलग और डिफरेंट कलर में बना हुआ है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये मूर्ति शायद कहाँ जा रहा है ये तो नहीं बता सकता मैं आपको। इधर भी चूहा बैठा हुआ है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से मोदक हाथ में है, काफ़ी बढ़िया लुक लग रहा है, काफ़ी अलग कलर और काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में ये गणेश जी काफ़ी अच्छा लगा कि नहीं लगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। पेंटिंग न्यू हुआ है सब जी गणेश जी, और चूहा काफ़ी सारे इधर भी है, चूहा काफ़ी सारे इधर भी है, और एक गणेश जी को एक तरफा देख सकते हो किस तरीक़ा से बन रही है। ये पूरा ग्रीन कलर में हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे पत्ते हैं, और ये बरगद का पेड़ के नीचे गणेश जी एक साधु महाराज की तरह से बैठे हुए हैं, और टकले पे काफ़ी सारे बाल है, जैसे कि छोटी बोलते हैं जिसको, वो छोटी है पीछे देख सकते हो। गणेश जी काफ़ी साधु महाराज जैसे बैठे हुए हैं, चूहा लोग इनके साथ साथ बैठे हुए हैं। गणेश जी को राधा कृष्ण के रूप में बनाए गए हैं, कृष्ण बने हैं गणेश जी और राधा बनी हुई है ये माता, तो इन प्रकार से इनको बनाए गए हैं। और ये सीढ़ी से जैसे उतरते हुए लुक है इनका, और इसी तरीके से बनाए गए हैं कृष्ण भगवान जैसे देख सकते हो।
काफ़ी बढ़िया ये पोज हो गया है, कपल पोज जो बोलते हैं, कपल फोटो जो खिंचाते हैं अपन, उस तरीके से पोज है एक गणेश जी का। अब देख सकते हो यहाँ पर माता पार्वती के साथ गणेश जी हैं, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया गोद में खेलते हुए गणेश जी हैं। यही तो काफ़ी अलग लुक लग रहा है, सबसे बेहतरीन टाइप में। पार्वती माता ने इतने सारे लड्डू बना के रखे हैं गणेश जी के लिए मोदक, और देख सकते हो कुछ इस तरीके से पार्वती माता को के मतलब पीठ पर सवार हो चुके हैं गणेश जी, फिर मुझे मोदक खाना है। मतलब हर एक पोज में, मतलब हर एक मूर्ति में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप देख के भी काफ़ी अच्छे समझ सकते हैं। यहाँ पर गणेश जी हैं और गणेश जी के पीछे में कृष्ण भगवान को बनाया गया है, देख सकते हो पीछे कृष्ण भगवान हैं, सामने गणेश जी हैं और चूहे इनके साथ बहुत सारे हैं, इधर भी चूहा उधर भी चूहा, चारों तरफ चूहे चूहे हैं। पीछे गणेश जी के पीछे हैं कृष्ण भगवान, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, और गणेश जी का भी काफ़ी अच्छा लुक है। अभी फिलहाल पेंटिंग चल रहे हैं, देख सकते हो, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ग्वाल बैठे हैं। इसी तरीके से मूर्ति जो है अंदर में भी इसी तरीके से मूर्ति बना हुआ है, एक आपको दिखाया हूँ। अभी फिलहाल पेंटिंग चल रहा है वाइट कलर का पूरे स्प्रे के साथ, आजकल पूरे स्प्रे के साथ ही पेंटिंग चलते हैं। और ये मूर्ति को दिखाते हैं, ये मूर्ति में है शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि और ये गणेश जी, और पीछे जो है शंकर जी के 5 रूप है शायद, है नहीं पूरा काफ़ी बढ़िया से, और 5 तो शेष नांग बना हुआ है, काफ़ी सारे हाथ बने हुए हैं। गणेश जी का लुक काफ़ी अलग डिफरेंट टाइप में बने हुए हैं, पेंटिंग का थोड़ा जार है, और इधर भी गणेश जी देख सकते हो कुछ इस तरीके से काफ़ी बढ़िया लुक में ये भी हैं, काफ़ी गणेश जी हैं, काफ़ी अच्छे कलर में वाइट कलर में भी फिलहाल इसको पेंट किया जा रहा है, उसके बाद बाकी कलर करेंगे। देख सकते हो कृष्ण और राधा के रूप में बनाए गए हैं, फिर से यहाँ पर गणेश जी देखने को मिल रहा है कृष्ण राधा के रूप में, काफ़ी बढ़िया। ये भी पेंटिंग अभी चल रहा है, पेंटिंग का काम अच्छे से चल रहा है, यहाँ पर पूरे पेंटिंग का सामान रखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं बाहर इसलिए आ चुका हूँ क्योंकि पेंटिंग चल रहा है वहाँ पर, और पेंटिंग जो है नाक में आ रहा था जिससे एलर्जी हो सकती है, हमको आदत नहीं है क्योंकि पेंटिंग का पेंट का जो धूल टाइप में डस्ट टाइप में निकलता है तो वो जो है नाक में आ रहा था। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर चल रही है पेंटिंग का काम, जैसे कि देखे ही होगे, और आवाज़ अभी फिलहाल बिल्कुल साफ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मशीन जो है अंदर में चल रही है। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियो के जो अपडेट है आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बने रहें।